राजधानी रायपुर के फाफड़ इलाके में स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में ग्राहक के संचालक को हथौड़ा मारकर लूट करने वाला शातिर लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दरअसल 23 अगस्त को ग्राहक बनकर आए लुटेरे ने संचालक के सिर पर हथौड़े से हमला कर ग्राहक सेवा केंद्र से नकदी लूटी और फरार हो गया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। गंज थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को बलौदाबाजार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके गर्लफ्रेंड ने पैसा ट्रांसफर किया था, लेकिन संचालक याला प्रकाश पैसा देने में टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। फाफाडी में एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र के का जो संचालक था उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने हथौड़े से उसके सिर पे 3 बार वार किया और उसके दराज से लगभग 40,000 रुपये की जो रकम थी उसको वहाँ से लूट करके ले गया। इसमें धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध किया था। विक्टिम जो है अभी भी वो इलाजरत है।